हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद एस के बराबर में। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो विद्यार्थी सिमुतला आवासीय विद्यालय 2023 के एंट्रेंस एग्जाम जो है देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए जो है एक काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि एक पिछले वीडियो जो है हम यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, उसमें जो है आपको बताया गया है कि आप कोर्स को जो है कैसे ले सकते हैं, कैसे जो है आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है कुछ क्यूरी है, कुछ डाउट है कि सर जो है इसमें कितने बजे जो है क्लास चलेगी और जो है इसका जो है फी जो है बहुत ज्यादा हाई है, तो आप बताइए। थोड़ा सा हम आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जैसे अभी जो है आप क्लास जैसे स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से, तब 15 अप्रैल से जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसका अगर टाइमिंग पूरा देखते हैं तो 11 महीना हो जाएगा। तो 11 महीना के कोर्स है, अब बताइए कितना जो है हम कम ले। इतना कम में भी जो है आप लोग का मतलब ये इस तरह से बात आ रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा है, तो हम कितना कम ले कि उतना में हो जाए, अब बताइए। अगर 11 महीना अगर इस 7500 में अगर 11 से अगर आप भाग मारते हैं, 10 से आप अगर मारते हैं, तो कितना हुआ 750 रुपए में 500 सब्जेक्ट। और इस 750 में भी अगर 5 से भाग मार देते हैं तो यानी कि 150 रुपए में एक सब्जेक्ट आप एक महीना तक पढ़ सकते हैं। अब बताइए तो 150 रुपए में एक सब्जेक्ट कितना जो है कम है, इतना कम जो है आपको कोई नहीं मिल सकता है। अब बताते हैं उसके बाद कि जैसे 7500 जो है देने के लिए वो एक ही बार है पूरा, तो एक ही बार है तो जैसे गांव से जो बिलोंग करते होंगे वहां पे तो गांव का माहौल जो है थोड़ा सा अलग हटके रहता है, तो वहां पे उतना पैसा जो है एक साथ देने में जो है सभी गार्जियन लोग जो है असमर्थ होते हैं। अब उन लोगों के लिए जो है एक विशेष ऑफर जो है यहाँ पे दे रहे हैं कि ये 7500 जो रुपया है आपको जो है जैसे पूरा जो है आपको 10 महीना जो है समय है, तो इसमें आप 3-3 महीना पे करके 3 बारी जो है दे सकते हैं, 3-3 महीना करके जो है आप 3 बार दे सकते हैं। जैसे कि आप 2500 जो है दे सकते हैं एक बार, फिर जो है आप 2500 दे सकते हैं, फिर जो है आप 2500 दे सकते हैं, ये 3 बारी करके जो है आप ऐसे भी पूरा कर सकते हैं। बाकी जो मंथली वाला है वो फी जो है आप 1500 जैसे कि 1000 रुपया है, 1000 रुपया, 1000 रुपया है तो जो गांव से बिलोंग करते हैं उनका घर अगर गांव में होगा ठीक है, तो उन लोगों के लिए केवल है, क्योंकि शहर वाले जो है थोड़ा सा अमीर होते हैं, क्योंकि इसीलिए तो वो शहर में गए हैं कि अच्छा जो है वो रोजगार कर रहे होंगे, उनके गार्जियन जो है कुछ अच्छे जो है जॉब कर रहे होंगे, तो उन लोगों को तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उन लोगों को जो है दिक्कत है। ऐसे आप जो है मेरे पास अगर आप ऑफलाइन रहते हैं और गरीब से अगर बिलोंग करते हैं तो हम आप लोगों को भी जो है फ्री में पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है काफी ज्यादा मेहनत हो जाता है, मेंटेनेंस चार्ज, टेक्निकल चीज जो है सारी चीज करना पड़ता है, इसलिए हम आपको इतना ले रहे हैं। इतना में पूरा सब्जेक्ट आपको हो जा रहा है, अब बताइए 3 से 4 घंटा जो ऑनलाइन जो है क्लास चलेगा है ना, तो इसमें जो है इतना जो है आपको ज्यादा नहीं है अगर तुलना करेंगे तो। पास हो जाएंगे तो आपको जो है बिल्कुल जो है पैसा का जो है आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इतना कम में जो है हम इस पास होकर जो है सिमुतला में आ गए। तो इसलिए जो है अगर जो करना चाह रहे हैं वो आप जो है कर सकते हैं, और जो जैसे विलेज से जो बिलोंग करते होंगे, गांव से जो बिलोंग करते होंगे, उन लोग जो है 1000 रुपया को भी आप जो है 2 बारी करके दे सकते हैं, 1 महीना में 2 बारी। अब बताइए 1 महीना में 2 बार बता रहे हैं, और कैसे 15-15 दिन पे, जैसे आप 15 तारीख से स्टार्ट होगा क्लास, आप 15 से जो है पहले जो है एक बार दे दीजिए 500 पहले दे दीजिए, उसके बाद जो है फिर जब ये महीना लग जाए तो आप 1 तारीख जो है आप दे सकते हैं, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को जो है यहाँ पे दे सकते हैं, फिर आप 500, तो टोटल जो है आपका 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से 15-15 दिन पर करके भी आप दे सकते हैं ठीक है। ऐसे जो है आपको ज्यादा जो है नहीं बुझाएगा है ना, जिन लोगों को बुझा रहा है कि बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए कर रहे हैं। अब इसका टाइमिंग जो है बता देते हैं कि टाइमिंग जो है क्या होने वाला है। तो जैसे टाइमिंग जो है एक सुबह में है, टाइमिंग जो है क्या है सुबह में, तो सुबह में 6 बजे से है, 6 बजे से आपको 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक जो है आपको मैथ्स है, मैथ्स, और 7 से जो है 8 बजे
यानी 7 से 8 बजे जो होगा ये आपको जो है ये क्लास नहीं होगा, ये बंद रहेगा, ठीक है। यानी 7 से 8 नहीं होगा, 8 से 9 होगा, 8 से 9। ये 8 से 9 जो है आपका साइंस प्लस SST होगा। उसके बाद 9 से 10 जो हो जाएगा आपका हिंदी प्लस इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। और फिर जो जीके का भी स्पेशल क्लास करना चाहेंगे तो स्पेशल नहीं, हम वही में जो एक बार जो है जो फी देंगे उनको वही में शामिल कर देंगे जीके के लिए, स्पेशल जीके जो स्टैटिस्टिक के रूप में होता है उनको जो है 5 से 5.5 यानी 5 से 5.5 तक इसमें जीके और जीएस जो है बताया जाएगा, जीके और जीएस जो है बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये टाइमिंग है, लेकिन ये टाइमिंग भी जो है कुछ लोगों के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं है कि इस टाइम में जो है मेरा स्कूल रहता है, और अभी गर्मी का सीजन आ गया है तो सभी लोग स्कूल जो है सुबह में ही हो गया है, तो ये टाइम अगर आप लोग को नहीं है एक शाम में जो है आपको हम टाइमिंग बताते हैं। और ये शाम में जो है देख लीजिए टाइमिंग, जैसे आप कह सकते हैं 6:30 बजे से, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8 बजे तक, 6:30 बजे से 8 बजे तक जो है इसमें आपको होगा। और बाकी जो है जो शाम का जीके वाला बैच चलेगा उसमें जो है जीके का हो जाएगा। और अभी फिलहाल जो है कुछ दिन तक 6:30 से 8 बजे तक शाम में जो है चलेगा, फिर जाके स्कूल जो है पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा सब, मतलब आपका जो है 10 बजे से 9 बजे से स्कूल अगर होने लगेगा तब आपको फिर से सुबह वाला रूटीन ही चलेगा। तो ऐसे सुबह में जो है ये सब पढ़ने से जो है ज्यादा फायदा होता है, सुबह जो है एकदम दिमाग ताजा रहता है, उसमें जो है जल्दी जल्दी जो है गेन हो जाता है, तो इसलिए सुबह वाला जो टाइमिंग तो बेस्ट है। बाकी जो है आप इस टाइम पर भी जो है पढ़ सकते हैं। तो यही जो है हम बताने वाले थे, और जो लोग भी जो है एक क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग जो है जल्दी ही जो है 15 से पहले ही जुड़ जाए, उसके बाद जो है आप लोग जो है नहीं जुड़ पाएंगे। और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग भी नहीं जान रहे हैं वो लोग जो है इसे जाने, और यहाँ पे जो है सभी लोग एक साथ जो है तैयारी कर सके। और जैसे अभी मेरा बुक जो है अगला मंथ में जो है निकल जाएगा, और अगला मंथ तक निकल जाएगा, उस बुक से भी जो है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा चीज दिया हुआ है, तो जब आप पढ़े हुए रहेंगे तभी जो उसको प्रैक्टिस करने में आपको मजा देगा, नहीं तो आपके पास केवल बुक रहेगा तो बुक रखने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो है आप अभी से पढ़े रहेंगे तो उस बुक को प्रैक्टिस करने में जो है आपको ज्यादा जो है आसानी होगी और अच्छा लगेगा। इसलिए आप जो है जल्द से जल्द जो है इसमें एडमिशन ले ले। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।